दानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। कांग्रेस ने सोमवार को संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने LIC SBI के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही देहरादून में SBI बैंक मुख्यालय के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार यदि सही है तो पूरे मामले की जांच कराने से क्यों बच रही है। साथ ही कहा कि सरकार जानबूझ करके इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और सदन में भी चर्चा से बच रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उद्योगपतियों को भारत की करोड़ों खरबों की परिसंपत्तियों को पौने दाम पर बिकवा दिया। यही नहीं, हमारी परिसंपत्ति हमारे बैंकों से, हमारी LIC से उनको इक्विटी शेयर्स दिला के, उनको लोन दिला के हमारी संपत्तियों को औने पौने दाम पर उनको बिकवाया है। और आज वो उनके हर चीज़ के शेयर गिर रहे हैं, उनकी पोल खुल चुकी है। कंपनी फेक कंपनी थी, वो सब आज डूब रही है। हमें कम करने का क्या क्या हल निकाला है आपने? जो 1000 रुपए का सिलेंडर है वो 400 पर कब आएगा आप बताएं रविशंकर जी? जो पेट्रोल जो है 71 रुपए लीटर था वो 71 लीटर पर कब आएगा बताएं ना? डीजल के दाम कैसे कम होंगे ये बताएं ना? खाने की हर चीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसको कम कैसे करेंगे बताएं रविशंकर जी, जवाब दें।